प्रीव्यू। अभी हम बिहार शरीफ के जलालपुर मोहल्ला में मौजूद हैं और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर खासगंज मोहल्ला है, जहाँ से तीन और लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। वहीं डॉक्टर की भी तैनाती कर दी गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर अपने काम को बाखूबी तौर पे अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और आप वो भी डॉक्टर और प्रशासन दोनों का सहयोग कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे वो किस तरह से पुलिस प्रशासन और डॉक्टर का सहयोग कर रहे हैं। जी, मैं शमीम अख्तर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। जैसा कि आप सबको पता है, कल अभी परसों रात की बात है, कोरोना पॉजिटिव खासगंज बिहार शरीफ नालंदा ज़िला में मिला है। उसके बाद एक हड़कंप मच गई। हम लोगों ने पूरे तरीके से पूरी टीम के साथ सहयोग किया, जिला प्रशासन का और डॉक्टर्स की टीम का। उसके बाद हम लोगों ने बहुत लोगों का जो है स्कैनिंग करवाया। स्कैनिंग करके 49 लोगों का कल जो है सैंपल गया है और सुनने में आ रहा है कि वो लोग नेगेटिव आ गए हैं। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि तीन लोग उन्हीं के परिवार में से जो है पॉजिटिव आ गए हैं। एक उनके पिता और एक उनकी पत्नी और एक उनकी जो है भाई के पत्नी, तीन लोग पॉजिटिव होने के कारण और भी इलाका को जो है बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट कर दिया गया है और पूरा इलाका सील है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की टीम पूरी रातों रात जो है बैठ करके काम कर रही है। बाकी हमारी टीम पूरा सहयोग कर रही है जिला इंतज़ामिया का और डॉक्टर्स की टीम का, और आगे भी करते रहेंगे। अभी यहाँ पे हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ काम चल रहा है। तो काम चल रही है, लेकिन काम का सिस्टमेटिक वेक से नहीं हो पाया, सिस्टमेटिक माने कि वेक से नहीं हो पाया, इसलिए स्लो कुछ हुआ। लेकिन अब तीव्र, अब मौसम पकड़ लिया, जल्दी से काम हम लोग फिनिश करने के हैं। का डूर टू डूर जगह कलेक्शन करना पड़ा सैंपल हमारे टेक्नीशियन को, जो डिफिकल्ट है, और बहुत अंदर डेढ़ डेढ़ किलोमीटर अंदर मोहल्ला में जाना पड़ा है, इसलिए कुछ समय लग रहा है। लेकिन पुलिस खास करके बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत कोऑपरेट किए से डिटेक्ट करने में, कौन कौन लोग कौन परिवार है क्या है, अच्छा लिस्टिंग करके दिए, जिससे हम लोग को सुविधा। पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, आप देख सकते हैं कोने कोने पे पुलिस बल तैनात हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम किया गया। सुरक्षा का बहुत अच्छा इंतजाम है। मोहल्ला का क्या सहयोग मिला है सर आपको? मोहल्ला के भी कुछ लोग हैं जो कि वो लोग हम लोग के साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं और घर घर जा कर के नाम एड्रेस वगैरह लिखवा रहे हैं, जिससे कि उन लोग से भी हम लोग को बहुत मदद मिल रहा है। जैसा कि आपने भी देखा कि हमने अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता शमीम अहमद से भी हमने आपसे आपको मुखातिब कराया, पुलिस प्रशासन से भी मुखातिब कराया और डॉक्टर से भी आपको मिलवाने का काम अपने चैनल के माध्यम से किया। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए, बने रहने के लिए हमसे आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।